Hey guys, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेलवे का वाईफाई कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी फ्री में। दोस्तों उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आइए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको वहां पे वाईफाई नेटवर्क को ओपन करना है। आपको वहां पर जैसे आप नेटवर्क ओपन करोगे, आपका वाईफाई ऑन करोगे, तो आपको वहां पे वाईफाई सिग्नल दिखेगा जो है कि रेलवे वायर नाम से। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट आएगा। यहाँ पे आपको नीचे पे साइन इन का ऑप्शन दिया है। साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऊपर आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट यूजिंग ब्राउजर पे क्लिक करना है। जैसे आप ये करते हैं उसके बाद आपको एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको गेट कोड पे क्लिक करना है। सेंड कोड पे आप क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ डाल के वेरीफाई करना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे लिखा रहेगा यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है और आपको अपना एक पासवर्ड डालना है कोई सा भी। आप लोग सबमिट करते हो तो आपके सामने जो अगली स्क्रीन आएगी उसमें लिखा रहेगा पेड वाईफाई और एक फ्री वाईफाई। तो दोस्तों पेड वाईफाई में अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने वो सारे प्लान आ जाएंगे जो पेड वाले, यानी कि अगर आप इसमें कुछ पैसा दोगे तो आपको और भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी वाईफाई यूज करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसमें से कोई भी रिचार्ज कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो स्क्रीन में। लेकिन हमें फ्री वाला यूज करना है तो हम फ्री वाले पे आते हैं। यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई पर क्लिक करना है। फ्री वाईफाई पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा है कि अगर आप फ्री वाईफाई पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो वाईफाई मिलेगा वो मात्र आधा घंटे के लिए दिया जाएगा। यानी कि आधा घंटे के लिए आप अपने मोबाइल में रेलवे स्टेशन से बैठ करके फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे मोबाइल में वाईफाई जो है कनेक्ट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना। अब आप कोई भी यूट्यूब चलाएं, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में फ्री वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आधा घंटे के बाद अगर आपका मोबाइल में वाईफाई हट जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपको पेड वाईफाई खरीदना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी प्लान बताया। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।